पिछले दिनों 11 साल की आराध्या बच्चन की लाइफ और हेल्थ को लेकर एक झूठी खबर एक यूट्यूब टैबलॉइड ने फैलाई थी और अब बच्चन फैमिली ने इसके खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। जी हां, कहा जा रहा है कि आराध्या ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने एक खबर उनके खिलाफ लिखी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे रोका जाए, क्योंकि वो एक माइनर हैं। आप सोचिए कि एक 11 साल की बच्ची जिसने अपना जीवन अभी शुरू किया है, सार्वजनिक जीवन तो शुरू भी नहीं किया है, उसके बारे में, उसकी हेल्थ और उसकी लाइफ के बारे में उल्टी सीधी खबरों को उड़ाना महज कुछ व्यूज के लिए, गलत और झूठ का प्रचार करना। अब इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सी हरिशंकर की एकल जज पीठ 20 अप्रैल को आराध्या बच्चन की याचिका पर सुनवाई करेगी। हालांकि बच्चन परिवार की ओर से इस मामले पर अब तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई रिएक्शन आया है। आपको बता दें कि आराध्या बच्चन अक्सर ही लाइमलाइट में रहती हैं। कुछ दिनों पहले ये अपनी मम्मी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ नीता और मुकेश अंबानी के कल्चरल सेंटर प्रोग्राम का भी हिस्सा बनी थी। यहाँ आराध्या का देसी अंदाज देखने को मिला था। वो एक भारतीय लिबास में वहाँ पहुँची थी और अक्सर जब वो अपनी फैमिली के साथ बाहर जाती हैं तो बहुत सारे पैपराजीज उनका पिक्चर क्लिक करते हैं। फिलहाल आराध्या बच्चन मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में 6th क्लास में पढ़ती हैं। अक्सर ही इनके फैन पेजेस और फ्रेंड्स के साथ इनकी फ़ोटोज़ शेयर होती रहती है, जिन्हें देखकर हर कोई अक्सर कमेंट करता है और अक्सर लोग इनको कंपेयर भी करते हैं इनकी मम्मी के साथ में, इनकी फैमिली के अलग अलग सदस्यों के साथ में। और आराध्या का एक वीडियो भी पिछले दिनों वायरल हुआ था जिसमें वो कहती नज़र आ रही थी कि हिंदी भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं तो पोइट्री एक अच्छा ज़रिया है। कई फैंस ने आराध्या के इस वीडियो को पसंद भी किया था, उनकी सराहना की थी। साथ ही कुछ ने यह भी कहा था कि आराध्या अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं क्योंकि उनके घर में कविता लिखने और कविता पाठ करने का एक अच्छा लंबा सिलसिला रहा है। बहरहाल ये जो खबर फैलाई गई थी आराध्या के बारे में, इसको लेकर जो चाहने वाले हैं उनके बीच भी एक गुस्से और रोष का माहौल था। फिलहाल अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है तो उम्मीद है ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा सकेगी जो महज कुछ व्यूज पाने के लिए इस तरह की उल्टी सीधी खबरें फैलाते रहते हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर झूठ का प्रचार प्रसार करके अपनी जेबें भरते हैं और बहुत से लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।